नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। आप सभी जानते हैं, मतलब आप तीनों तो स्पेशली जानते हैं कि माँ बनना अपने आप में कितना सुखद अनुभूति वाला होता है। जब मैं खुद माँ बनी, बहुत मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मेरा जो बच्चा था वो बिल्कुल हेल्दी, हट्टा कट्टा, बिल्कुल ऐसा। मेरे फादर एक वैद्य थे, तो उन्होंने आयुर्वेद के हिसाब से मेरे खान पान, मेरे पोषण का और मेरा पूरा ख्याल रखा। और एक मेरे पिता ही ये बताते थे मुझे कि ये आपके जो डिलीवरी के बाद के जो 50 दिन होते हैं, ये आपकी आगे की लाइफ को, 50 साल की लाइफ को डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप माँ का पुनर्जन्म होता है। अच्छा। तो आज मैं माँ और ये बच्चा और ये मेरा बच्चा। अरे क्या बात है। ये दोनों आप हो? वाओ। या। ओह वाओ। मैं अल्पना तिवारी। और मैं विरल तिवारी। और हम हैं को-फाउंडर्स नुस्खा किचन के। जो नई माएँ होती है अभी डिलीवरी के बाद, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी? बच्चे के मिल्क में प्रॉब्लम आती है, मदर की रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, नानी दादी का कुछ नहीं मिल पाता है। तो सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिसमें हम नुस्खा के थ्रू उनके पास पहुँचे, उनकी केयर करें, उनका परिवार बनके उनका साथ दें। शार्क्स, हमने अराउंड 2 ईयर्स बैक स्टार्ट किया था। हम प्रोवाइड कराते हैं एक 50 डे का कंप्लीट आफ्टर डिलीवरी कोर्स, जिसमें आपको मिलते हैं 20 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो आपकी हेल्प करते हैं कंप्लीट पोस्टपार्टम रिकवरी में। इसमें आपकी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपको गोंद, अजवाइन के लड्डू और इस तरह की चीज़ें, मसाज ऑयल्स और काढ़े और हर्ब्स को इंक्लूड करके दिया जाता है, विच इज़ वेरी मच कस्टमाइज कि आपका वेदर कंडीशन किस में खाने वाले हैं आप, और आपका वेट कैसा है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपके बच्चे की हेल्थ जस्ट आफ्टर द डिलीवरी कैसी है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं भी अपने सामने आती हैं, तो उसको आंसर करने के लिए वी हैव अ 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। एंड अभी तक हम 400 डिफरेंट वुमेन को केटर कर चुके हैं उनकी अच्छी रिकवरी कराने के। इसीलिए शार्क्स, आज हम आपसे आस्क कर रहे हैं 20 लाख रुपीज फॉर 10% ऑफ आवर स्टेक। वी हैव सम सैंपल्स फॉर यू। ये आदमी खा सकते हैं ना? ये वाले नहीं खा सकते। बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। बहुत सुंदर पैकेजिंग है इस डब्बे की। थैंक यू सो मच। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खा सकती हूँ अभी? एक गोंद के अलावा आप सारे खा सकते हो। जो गोंद होता है ना, वो चिपक बॉन्डिंग का काम करता है, बच्चे को थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप रागी ट्राई कीजिए मैम, आपको इस वक्त रागी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था अपने बेटे के लिए, मामा अर्थ। अच्छा अच्छा। आपने अपना बिजनेस शुरू किया अपने बेटे के साथ, आई थिंक बहुत ही बेटे के साथ। थैंक यू। हर कस्टमर के लिए अलग पूरा आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजते हैं? नहीं नहीं, ये स्टैंडर्डाइज पैकेज है, इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़े से ट्वीक्स होते हैं बेस्ड ऑन कि आप कहाँ खाने वाले हैं। उसके लिए आप बात करते हैं कस्टमर से पहले? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो उनको फिल करके देता है, उसके बेसिस पे हमारा ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन। एंड हमारे ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक होते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। इसके बाद क्या बेबी हेल्दी होता है? Yes, या मद, you know, क्या डिफरेंस फील होता है मदर को? तो मैंने जितनी भी थर्ड मंथ से जिनकी डिलीवरी शुरू की है, कोई बेबी 3 किलो से कम का है ही नहीं। एक बात मेरे को समझनी थी पहले कि आप लोग दोनों ने कैसे ये शुरू किया, मतलब एक दिन उठ के आपने कहा चलो बेटा ये नुस्खा बिजनेस शुरू करते हैं, इसके पीछे कोई कहानी है? एक्चुअल में ये बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा जी। और प्लेसमेंट में इनका बैंगलोर जॉब लग गया था म्यूसिग्मा कंपनी में। अच्छा जी। फिर इन्होंने कहा कि मैं क्यूट करूंगा, मैं ये जॉब नहीं करूंगा। कितने टाइम किया आपने जॉब? 6 महीने के राउंड किया। नहीं, मैं भी 6 महीने में मेरे पहले जॉब से निकल गया था। बहुत अच्छा। वाकई में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरह से उनको केयर की जरूरत होती है उनको मिल नहीं पाती है। पेट में आपने सारा ध्यान रख लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन जब बच्चा बाहर आ रहा है तभी भी वो 6 महीने तो अपनी मदर के दूध पे निर्भर करता है ना। बहुत लोगों को मैंने चैरिटी करना शुरू किया, और चैरिटी ऐसी थी कि मैं उनको पर्ची बना के देती थी, तुम ये सामान ला दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बना के देती थी। फिर जब इसका ये रहा तो फिर मैंने कहा कि मन का बेटा तुम एक बार सर्च करो, मेरा ये जुनून है, इसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और नो डाउट इसने मेरा सपोर्ट भी किया। थोड़े से घर पे इशू जाए कि वो बच्चे को ऐसे जॉब में, इसमें जॉब छुड़ा के इसमें दूसरी जॉब कर लेगा ये, तो इसमें क्यों ला रही हो बिजनेस में? मैंने कहा नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। इसकी इसकी शादी करा दी क्या? नहीं नहीं, shaadi.com के बारे में सुना है? सुना है ना। सुना है। मैं वहां आके देखूं आपके पास? या या या। ये
क्या है? निबल्स, ये मेरे को बच्चों का पिक्चर लगा हुआ है। यस, बेबी फूड ही है। तो अब आप बेबीज को भी केटर कर रहे हैं घर के नुस्खा वाले खाने से। बेस्ट सेलर क्या है आपका? हमारा जैसे रागी सबसे बेस्ट सेलर होता है ना। पर पेशेंट कितना मनी अर्न करते हैं अगर ये पूरा 12 महीने का या 15 महीने का जर्नी देखूं? यूजुअली एवरेज इनकम क्या होती है? ये हमारा जो टोटल टिकट साइज रहता है अराउंड 15,000 से 15,000 रुपए। एक जो ये मेन पैकेज है ये 8,500 का रहता है। पैटर्न नहीं है अभी आपके पास कोई इस पे? फूड प्रोडक्ट है तो रेसिपीज है तो इसको पैटर्न कराना मुश्किल है। और सेल्स क्या है आपके? 19 लाख के अराउंड तक। 19 लाख। और प्रॉफिट? We are running slightly in profit, 1-1.5 लाख के आसपास। पिछले महीने क्या था सेल? 1,45,000। तो अभी आप रन वही रन रेट पे? अभी पिछले लास्ट 2-3 महीने से we are getting a थोड़ा ग्रेजुअल ग्रोथ में। सेल कहाँ पे करते हैं? Amazon वगैरह? नहीं, हम हमारे खुद के पोर्टल के थ्रू ही सेल करते हैं। Amazon पे क्यों नहीं सेल करते आप इसे? अभी इन मतलब इन ट्रांजिट है, हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं एंड उसके बाद उस पर भी अवेलेबल है। अल्पना जी और वीरल जी, मैंने मेरा डिसीजन बना दिया है, तो अभी आपका जो सेल है उसको देखते हुए स्केल करना बहुत मुश्किल होगा और इस वजह से आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ये कुछ कुछ गलतियां आप वो कर रहे हैं जो मैं कर चुकी हूँ। मैंने यू नो सब्सक्रिप्शन क्यूरेशन वाला बिजनेस चलाया जी। आप द मोमेंट आप सोचेंगे कि हर मदर के हिसाब से कस्टमाइज करके उसमें आप बहुत अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको खो देंगी। तो अगर आप सोच रही हैं कि मुझे एक 1 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना है तो ये सही डायरेक्शन है। अगर आप सोच रही हैं मुझे 50-100 करोड़ का बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको स्केल सोचना है। आपको ये आपका एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग, फिनिश, प्राइसिंग बहुत शार्प करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट जाएगा। तो इसलिए इस रीज़न के लिए मुझे लगता है आई एम आउट। बट ये अपॉर्चुनिटी ऑफ माँ के हाथ का खाना फॉर मदर्स स्केलेबल हो सकता है अगर आप इस पे थोड़ा काम करें। ये है बेबी फूड मार्ट जी। ये जो कैटेगरी है ये बहुत बहुत कंपेटिटिव है और प्राइस पॉइंट भी काफी कम है, लेकिन ये जो पोस्टपार्टम का आपका नुस्खा जो आपने बताया वो एकदम खुला हुआ मार्केट है आज। अभी वो कितना बड़ा है कितना नहीं है ये मैं आपकी बातों से समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको ये सोच विचार करना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ आपका सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। मुझे वो बड़ा बिजनेस का आज अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं आउट होना चाहूँगा। आई विश यू द बेस्ट। क्योंकि ये घर का नुस्खा है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ये रेसिपी तो वैसे पता होगी। आप इसका बिजनेस बना रहे हैं जी। कल को आपका बिजनेस अच्छा करता है कोई आपके प्रोडक्ट्स कॉपी कर लेता है जी मैम, तो आप उनसे कैसे अलग होंगे या आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेंथ है या मैं क्या? इसका आंसर देती हूँ। किस इंग्रेडिएंट्स को किस समय किस तरह से खाना है ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी हुई तो सबसे पहले आपको क्या खाना है। तो हम ये कहेंगे कि दशमूल काढ़ा सबसे पहले खाना होता है और इसका मैं आपको रीजन भी समझाऊंगी कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है नो डाउट आपका जो बैलून की तरह फूला हुआ होता है पेट, वहाँ हवा बढ़ने की कोशिश करती है। तो हमें दादी नानी कहती थी कि कान ढक के रहो, कम बोलो, बात मत करो। यही रीजन होता था कि मुंह के थ्रू कान के थ्रू आपके हवा जाएगी। तो इन सबको अगर थोड़ा सा जैसे आप नई लड़कियाँ नहीं कहना मानती है तो उसके लिए अगर आप दशमूल काढ़ा लोगे तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मैंने नहीं मानी थी। ये आप आयुर्वेद में जाके देखो, चरक संहिता में लिखा हुआ है ये कि प्रसूता को किस तरह से रहना चाहिए कि 10 दिन आपकी बॉडी इतनी रिकवर नहीं हो पाती इतनी जल्दी कि आप जो चाहो वो करने लग जाओ। गजल, आपने डिसीजन बना दिया आपका? हाँ, मेरे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप स्टैंड आउट कैसे होंगे, स्केल अप कैसे होगा। उस वजह से वो क्लैरिटी ना होने की वजह से मैं आउट हूँ। वेरी स्ट्रांगली फील कि आप दोनों प्लीज लगे रहिए इस पे। ये कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ढूंढिए और बेटर होइए एंड दोबारा फिर से बात करें। मेरा भी ये है कि यूनिक प्रोपोजिशन है। आई थिंक क्लिनिकली प्रूवन नहीं है बट मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स में बेनिफिट तो होता ही है और आपने एक बहुत ही नीश मार्केट पकड़ी है। आज की डेट में जो मुझे पता है जो प्रीमियम न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो एक एक महीने का 15-15, 17-17 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं जी। तो जो आपका यूएसपी है मेरे को लगता है ये स्लो स्केल अप प्रोसेस है और वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ते हैं और फिर वो अपना सेकेंड ब्रांच खोलते हैं, थर्ड ब्रांच खोलते हैं, बट दे आर हाईली प्रॉफिटेबल, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं
इसमें बाहर हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 8 to 5 sharks आउट है, but we wish you the very best. Yes. Thank you. बनाजी जाते जाते एक बात मैं कहूँगा, आपका जुनून देख के, एक माँ का जुनून देख के आज बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जो वो प्रॉब्लम के बारे में बोल रही थी ना, पोस्ट प्रेगनेंसी, वो बहुत रियल है. व्हेन आई डिलीवर्ड ऑगी, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी हुई थी. ओके, राइट. सो प्रॉब्लम बहुत रियल है, सोल्यूशन पे वो वर्क कर रहे हैं, बट जिस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, जो उनकी कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग ना, वो थोड़ी सी लिमिटेड. आई जस्ट होप वहाँ पे अगर थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड.